संजय कुमार, ग्राम सतियाड़, दारा नगर पंचायत, रोहतास जिला। आपको हमारे रोहतास की धरती में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हम लोग का ये जो गांव एरिया है, ये बहुत ही मतलब गरीबी क्षेत्र एरिया, आदिवासी एरिया में आता है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि अभी ये आलू का सीज़न है। आलू का सीज़न में हम लोग छोटा मोटा जिसका थोड़ा बहुत खेत बाड़ी है अपना, हम लोग उस तरह करते हैं। और अभी का खेती का मेन स्रोत जाता है हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो पीएम किसान योजना आया है, जो सालाना 6,000 आता है, 4 महीने के 2,000 रुपये राशि आते हैं खाते में। तो उसी वही राशि 2,000 रुपये जो आया है, उसी को मदद से हम लोग ये खेती कर रहे हैं। छोटा मोटा हम लोग का खेती है इतना में, और आलू का रोपण अभी चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, आलू का रोपण हमारे बिहार की धरती में दिखाया जा रहा है इसके माध्यम से। आलू का रोपण देखिए कैसे चलता है हम लोग का। ये देखिए इस तरह का छोटा छोटा क्यारी का ग्रिड बनाते हैं। ग्रिड बनाने के बाद इस तरह का छोटा छोटा एक मेढ़ा बोला जाता है, जिसके ऊपर आलू के ऊपर मिट्टी चढ़ाया जा रहा है। तो ये अभी इस तरह आलू का रोपण हम लोग करते हैं। और आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं दोस्तों कि हम लोग का रोहतास की धरती में जो भी है, हम लोग का बहुत ही टूरिस्ट पैलेस से लेकर और जो भी हम लोग का क्षेत्र है बहुत ही रूप रंगीला है। इसी तरह हमारे वीडियो से बने रहिएगा, आगे का भी हम लोग बहुत कुछ अभी दिखाएंगे। और देखिए अभी यही चीज़ हम लोग तरफ आलू रोपने का विधि विधान इसी तरह है, इसी तरह हम लोग आलू का बुआई अभी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, खेत जुताई होने के बाद आलू लगाने का तरीका क्या है। सबसे पहले मैं इस तरह का खेतों में एक सीधा लाइन मैं निकाल रहा हूँ। ये पूरा बिल्कुल सीधा, देखिए बिल्कुल सीधा लाइन निकालते हुए, उसके बाद जो मैं ये टोकरी में आलू लिया हूँ, अब इस चीज़ को देखिए मैं किस तरह बुआई करते हैं। इस तरह हमने रख लिया इस आलू को, और इस तरह ये देखिए एक तरीका है कि एक दूरी डिस्टेंस है, मोटा मोटी 6 इंच या 7 इंच की दूरी पे इस तरह हम लोग आलू पहले लगाते चले जाते हैं। आलू लगाते हुए जाते हैं, उसके बाद जब ये क्लियर हो जाएगा तो क्लियर होते होते तक फिर उधर से देखिए, अभी मैं इस आलू को इस लकीर पे रखते जा रहा हूँ। और मेरे बाद ये क्लियर होने के बाद उधर में जो दो आदमी हैं वो इस पे मिट्टी चढ़ाएंगे, और इस पे मिट्टी चढ़ाने के बाद ये एक मेढ़ा का निर्माण ले लेगा, और इसी के अंदर से धीरे धीरे आलू ऊपर निकलना शुरू होगा। ये देखिए अभी सामने हम लोग का मिट्टी का घर दिख रहा है, सामने देखते होंगे। तो ये जो मिट्टी का घर आज के डेट में है, शायद भाग्य भविष्य में ये चेंज हो जाए, पक्के का घर बन जाए। तो फिलहाल हम लोग इसी तरह मिट्टी का घर है, सामने देख रहे हैं कि हम लोग एक घुरान किए हैं बाउंड्री जैसा, जिसपे कि सीजनी सब्जी होती है, जैसे नेनुआ, झिंगी, करेला, वो सब लगा हुआ है। तो ये हमेशा नहीं मिलता हम लोग को, दो जैसे पानी बरसता है अषाढ़ में, तो उस समय हम लोग जब इसको बुआई करते हैं तो 2 से 2.5 महीना के बीच में ये अपना थोड़ा बहुत अल्प मात्रा में सब्जी देना शुरू हो जाता है। और उसके बाद काम करते रहे हम बैकग्राउंड में, सहरे अगर मेढ़वा चढ़ा। अरे बड़ा वाला आलू घर से छाटो उसको खाने के लिए, बहुत बच जाएगा, छोटा वाला बेकार हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, ये मेढ़ा देखिए कैसे चढ़ाया जाता है। जो आलू बिछाया गया है उसके ऊपर मेढ़ा चढ़ा रहे हैं, और ये लगभग हम लोग को काम स्टार्ट किए हुए 2 घंटे हो गए। तो थोड़ा आज धूप भी बहुत टाइट है, लेकिन फिर भी किसान जो होते हैं अपना मेहनत से धूप को बिल्कुल छाए में बदल के रख देते हैं। उसी तरह लगातार ये 2 घंटे से जो 2.5 घंटे से मेहनत कर रहे हैं कुछ लोग, थोड़े देर के लिए मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। वो देखिए हमारे जो 2 आदमी जो मेढ़ा चढ़ा रहे थे, वो देखिए, एक का नाम है मुकेश जी और एक का नाम है खेसारी जी। खेसारी लाल यादव नहीं, खेसारी जी हमारे गांव में एक हैं, उन्हें खेसारी जी ही बोलते हैं। तो लोग पानी पी रहे हैं, थोड़ा 2-2.5 घंटे से इस धूप में काम करते हुए मेढ़ा चढ़ा रहे हैं। और हमारे एक गांव के टीचर हैं अमरजीत सर जी, जो क्लास भी करते हैं और कराते भी हैं, और प्लस में सभी को लगभग शिक्षित के नज़रों से देखते हैं, शिक्षित बनाना चाहते हैं। वो भी देखिए, जब खेतों में इन्होंने अपने हाथ में फावड़ा पकड़ लिया है तो वो किसी शिक्षक से कम नहीं प्रदर्शन दे रहे हैं। तो ये हमारे अमरजीत सर जी हैं और आलू का मेढ़ा चढ़ा रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, आलू का बिया खरीदारी करते समय थोड़ा सा सावधानी नहीं बरता गया, और यहाँ पर इसमें कुछ बिया का जो बीज का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा भी है। तो अभी देखिए बिया का जो भी बिया लायक जो भी आपका आलू है उसको अलग किया जा रहा है, और जो खाने लायक जो बड़ा बड़ा आलू है उसको अलग किया जा रहा है। तो हालांकि बीज का साइज छोटा ही होना चाहिए, बट अभी हमारे एरिया में अभी इतना आलू का बुआई हो रहा है कि जिसके कारण आलू मिल नहीं रहा और मजबूरन हमें यही खरीदना पड़ा। अब वीडियो में बने रहिए, और कैसे कैसे हम लोग खेती करते हैं मैं फ्रेंड्स मैं बता दूं, हम लोग का जो गांव सतियाड़ है ये इतना अच्छा गांव है कि यहां पर जो आप लड़के देख रहे हैं ये सब अलग अलग घरों से है, बट जब भी किसी का काम पड़ता है तो हम लोग आपस में मिल करके एक दूसरे का काम कर लेते हैं। और हमारे अनिल जी जो बहुत ही फेमस स्टार है और गायक भी है, अपने ज़माने में बौलिया हाई स्कूल में कभी स्टेज हिला दिया करते थे, तो आज उन्होंने यहाँ पर फावड़ा लेकर के देखिए वो आलू का मेढ़ा चढ़ा रहे हैं। अरे संजय जी है, उनकी वाइफ अपने वाइफ के साथ वो खेती में लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि गांव का जो रहन सहन है वो इसी प्रकार का है, और ये जो रहन सहन है आपको शहरों में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। गाँव में जो एक दूसरे में प्रेम, एक दूसरे में सहयोग का जो भावना होता है वो शहर में आपको नहीं मिलेगा।